राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित विश्व प्रसिद्ध विजयादशमी उत्सव पर इस बार कोरोना का साया नजर आने वाला है। हर बार की तरह आयोजन की बजाय इस बार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के पालन के साथ विजयादशमी और शस्त्र पूजन की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित विश्व प्रसिद्ध विजयादशमी उत्सव पर इस बार कोरोना का साया नजर आने वाला है। हर बार की तरह आयोजन के बजाय इस बार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के पालन के साथ विजयादशमी और शस्त्र पूजन की तैयारियां की जा रही है। कोरोना के कारण इस बार उत्सव में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में 25 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। ऐसे में इस तारीख तक सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा और कौन सी नई सूचना जारी होगी इस पर सभी का ध्यान है। ज्ञात हो कि संघ के विजयादशमी उत्सव पर पूरे देश की नजर रहती है, लेकिन इस बार कार्यक्रम बदला हुआ रहेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार संघ के विजयादशमी उत्सव में 100 से कम लोगों की ही उपस्थिति निश्चित की जाएगी। हालांकि सरसंघ चालक का भाषण तय है। इसके अलावा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग, सावधानियों को पूरा ध्यान में रखा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पूरे कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण की तैयारी है, जिसमें सत्संग चालक का भाषण भी शामिल है। वैसे पिछले 4 सालों से इसकी वेबकास्टिंग की जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पांडे।